हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका क्लास 7 का जो मराठी का बुक है उसका यहाँ पे जो 10th वाला चैप्टर है गोमू माहेरला जाते, इसका यहाँ पे जो कंप्लीट एक स्वाध्याय है वो यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो इसमें सबसे जो पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कि खाली दिलेला मुद्यांच आधारे तख्ता पूर्ण कर। ओके, जैसे यहाँ पे कविते च कवि कौन है, ग दी माडगुड़कर। ओके, कविते च विषय क्या है, यहाँ पे आप पूरा एक विषय देख सकते हैं। कविते तिल पात्र कौन सा है, नाकवा गोमू, गोमू च नौरा। कविते वर्णन केलेला गोष्टी कौन सा है, नेडी खाडी हिरवी झाड़ी, ओंबी फुलांच ताळवा, उंच मांड पोडगी माणसे गलबत। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये यहाँ पे आप कंप्लीट आंसर इसका देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि एका शब्दात उतरे लिया, तो गोमूचे मोहर कौन है, माहेर कौन है, कोकण कोकणाची माणस कौन है, सीधी भोड़ी। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट आपको प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको एक आकृति दी है जिसमें आकृति में आपको क्या करना है, इस आकृति को पूर्ण करने के लिए कहा है। कोकणाची वैशिष्ट्य आपको पूछा है, तो यहाँ पे आपको चार विशेषता इसकी बतानी है। तो यहाँ पे पहली विशेषता, दूसरी विशेषता, ये तीसरी विशेषता और ये चौथी विशेषता। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे जो चारों विशेषताएं हैं कोकण की वो यहाँ पे आपको लिख के दी गई है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप दूसरा, यहाँ पे अगर आप ये देखते हो चित्र देखते हो यहाँ पे दूसरा, तो इसके अंदर पूछा गया है कि खालील ओडीचा तुम्हाला समझ लेला अर्थ लिया। ओके, तो यहाँ पे पहली ओडी आप देखो कि काटजात त्यांचा भरली सहाड़ी, तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे झड़ी झड़ी लीला गलबत टेकवा। ओके, तो इसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोनों का आंसर यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से लिख के दिया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो प्रश्न चौथा है जिसमें आपको पूछा गया है कि कवि ने वार्याला केलेला विनंती चा अर्थ तुमच्या शब्दात स्पष्ट करा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो कंप्लीट एक आंसर है यहाँ पे आपको नीचे देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें कवि ने किस तरीके से वार्या के साथ एक विनंती की है और उसका अर्थ यहाँ पे आपको बताने के लिए कहा है, तो वो अर्थ यहाँ पे आपको लिख के दिया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है कि कविते तिल यमक जुड़नारे शब्द लिया, तो यमक जुड़नारे शब्द कौन से है, नाकवा का है दाकवा। ओके, भोड़ी का है यहाँ पे झाड़ी, खाड़ी का यहाँ पे सोहाड़ी, सार का यहाँ पे वार्या। ओके, सारिया का है यहाँ पे वार्या। तो ये यहाँ पे इस तरीके से आपके जो सारे के सारे जो आंसर है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न आपको पूछा गया है कि खालील शब्द चे तुम्हाला ला माहित असणारे अर्थ लिया, तो यहाँ पे आप अलग अलग शब्द देख सकते हैं, सीड माड खाड़ी सहाड़ी झड़ी और गलबत। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आपके सभी के आंसर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, सीड माड़ खाड़ी सहाड़ी झड़ी और गलबत, सभी के आंसर यहाँ पे आपको पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से देखने के लिए यहाँ पे मिल रहे हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न आपको पूछा गया है कि तुमच्या घरी आलेला पाहुण्याचे तुम्ही तुमच्या गावातील कोण कोणती स्थले दाखवता, ये त्या स्थळांचे थोड्यात वर्णन करा। ओके, अगर आपके गांव में अगर कोई व्यक्ति आता है तो गांव में आप क्या दिखाओगे, कौन कौन से जगहों पे उनको घूमने के लिए लेके जाओगे, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको बतानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले गांव का मंडप, ओके, मंदिराणी मंदिर को दिखाओगे आप, उसके बाद तालाब प्राथमिक शाला पाण्याचे तलावातून येणाऱ्या पक्ष्याचे अडचणी, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप क्या करोगे दिखाओगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगर आप यहाँ पे देखते हो, तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आपल्या देशातील कोण कोणत्या राज्याने समुद्र किनाऱ्या लाभला आहे त्या राज्याचे नावाची माहिती आंतरजालावरून मिळवा व नोंद करा। तो सबसे पहले यहाँ पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में कौन से है, मुंबई रत्नागिरी रायगुड सिंधुदुर्ग आणि महाराष्ट्राच्या किनाऱ्यापट्टाच्या किनाऱ्यावर समुद्र किन। ओके, गुजरात में यहाँ पे आप देख सकते हैं महासागर में अंबोली उमसर्द। ओके, द्वारका उसके बाद कर्नाटक में मुलगी मंगलोर आणि उडपी। केरल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी पश्चिम किनारे हैं अरब सागर के, ओडिशा में यहाँ पे बालासोर पुरी उसके बाद गोपालपुर और चंद्रभाग, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही और यहाँ पे आपको प्रॉपर जो आंसर है आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट प्रश्न आपको पूछा गया है कि आपल्या राज्यातील कोण कोणत्या शहरांना गावांना समुद्र किनारा लाभला आहे त्या गावाच्या शहराच्या नावाची माहिती आंतरजालावरून मिळवा व नोंद करा। तो यहाँ पे अगर आप शहर देखते हो तो शहर में आपका मुंबई है और रत्नागिरी है, गांव में है यहाँ पे मालवण और अलीबाग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है कि खालील उभयनावी अव्ययाचा वाक्य उपयोग करा,
जैसे यहाँ पे की है, मढ़ुन है, पण है, परंतु है, अथवा है, मणजे है, ये सभी वर्ड का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, एक जो वाक्य है वो आपको बनाना है। तो यहाँ पे आप पूरा एक जो कंप्लीट आंसर है बच्चे लोग, आप देख सकते हैं कि सभी का इस्तेमाल यहाँ पे वाक्य में किया गया है, हर एक वाक्य में एक एक। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न आपको पूछा गया है कि खालील वाक्यतील उभयनावी अव्यय च अधोरेखित करा। ओके, तो यहाँ पे ये आपके पहले से वाक्य लिखे गए थे, हमने क्या किया है यहाँ पे वाक्यों को सिर्फ क्या किया है, अधोरेखित किया है। जैसे इसमें आएगा आपका आणि, ओके, इसमें आएगा पण और इसमें आएगा किवा। तो इस तरीके से सारे के सारे जो आंसर है यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये जो पूरा कंप्लीट स्वाध्याय है यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट लगता है, अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है, तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चाहे तो हमें फोटो खींच के आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप भेज सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारे के सारे जो वीडियो है वो सबसे पहले आपको मिल जाए 7th क्लास के। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।